इस वीडियो अपडेट में आज हम बात करेंगे ट्रेन नंबर 13072 के बारे में और दूसरी ट्रेन के बारे में जो कि गया से हावड़ा के बीच चलती है, ट्रेन नंबर 13024 के बारे में। दोनों ही ट्रेनों को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही। दरअसल गया से हावड़ा के बीच जाने वाली गया हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के रूट में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से नए रूट के बारे में जानकारी आपको देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेटेस्ट वीडियो अपडेट। मालदा रेल मंडल के जमालपुर भागलपुर रेलखंड के नाथनगर व अकबरनगर रेलवे स्टेशन के बीच ब्रिज नंबर 164 के गार्डर को 3 जुलाई को स्थापित किया जाएगा। इसके कारण इस रास्ते से गुजरने वाली कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, लेकिन 3 जुलाई को चलने वाली गया से हावड़ा के बीच गया हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन जमालपुर नहीं आएगी। यह ट्रेन वाया क्यूल झाझा आसनसोल के रास्ते ही जाएगी। गया से हावड़ा के बीच इस ट्रेन का परिचालन वैसे तो जमालपुर क्यूल सुल्तानगंज अकबरनगर भागलपुर के रास्ते देखने को मिलता है, लेकिन 3 जुलाई को गार्डर लॉन्चिंग का काम किया जाना है, जिस वजह से इस रास्ते से चलने वाली 17 जोड़ी ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। वहीं लगभग 6 ट्रेनों को नए रूट से चलाने की भी तैयारी चल रही है। 3 जुलाई को अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो इस ट्रेन का लाइव स्टेटस अवश्य चेक कर लें, जो कि गया से हावड़ा के बीच यह ट्रेन वाया जमालपुर नहीं बल्कि वाया क्यूल झाझा आसनसोल के रास्ते ही हावड़ा के लिए निकल जाएगी, जिसका ट्रेन नंबर 13024 है। 3 जुलाई के बाद यह ट्रेन यानी कि 4 जुलाई को कौन से रूट से चलेगी, इसकी जानकारी आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट में देंगे। जैसे कि अन्य ट्रेनों के बारे में हम लगातार आपको जानकारी देते हैं। नए नोटिफिकेशन में क्या यह ट्रेन का 4 जुलाई से रूट बदलेगा या फिर पहले की तरह इस ट्रेन का परिचालन देखने को मिलेगा, इसकी भी जानकारी आपको हम आने वाले नए वीडियो के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट में बताएंगे। इस वीडियो को आगे शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब नई ट्रेनों के अन्य अपडेट के लिए।